क्यूबिक इक्वेशन को कार्डिनल से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया सॉल्व बाय कार्डिनल मेथड, आप इक्वेशन एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तो देखिएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है उसको लिख लेते हैं, बी मेथड आपका दिया गया है एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे। कार्डिनल मेथड ने सबसे पहला काम किया कि एक्स इक्वल टू यू टू द पावर वन थर्ड प्लस वी टू द पावर वन थर्ड बी टर्म सॉल्यूशन मान बी टर्म सॉल्यूशन आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्यूशन मान। तो डेट इज वाई जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स दोनों बच्चों का होल क्यूब बन रहा हूँ, दोनों बच्चों का होल क्यूब करेगा और करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेगा। आप जानते हैं ए क्यूब ये पावर कैंसिल हो जाएगा, बी क्यूब ये पावर कैंसिल हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी यू टू की पावर वन थर्ड बी टू की पावर वन थर्ड यू टू की पावर वन थर्ड प्लस बी टू की पावर वन थर्ड आपका इतना हो जाएगा। आप क्या करते हैं इसको ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं, एक्स क्यू माइनस थ्री यू टू की पावर वन थर्ड बी टू की पावर वन थर्ड। अब ये देखिएगा जो वैल्यू है एक्स की है तो एक्स मैंने मान लिया और माइनस ए यू प्लस बी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप से कहीं मान लेते हैं, मानने के बाद से क्या करते हैं यह इक्वेशन ले इक्वेशन देखते हैं एक तरह से समान होगा किसी का सॉल्यूशन माना है एक इक्वेशन आया यानी कि दोनों इक्वेशन एक ही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी के आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा माइनस थ्री यू टू दी पावर वन थर्ड बी टू दी पावर वन थर्ड इक्वल टू माइनस सिक्स डेट इज राइट, या माइनस से माइनस कर दिया थ्री यू थ्री जो लिखा जा सकता है यू भी वन टू पावर वन थर्ड और थ्री टू या सिक्स इसको और अच्छे से लिखेंगे तो यू भी इक्वल टू आप आ जाएंगे ये जैसे यू भी इक्वल टू एट पाएंगे एंड माइनस यू प्लस थ्री की वैल्यू आ जाएंगे देखिए माइनस यू प्लस थ्री की जो वैल्यू आप आ रहे हैं माइनस नाइन आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे लेट आपका लेट यू एंड भी बी टर्म सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन देन आप और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस वन रूट बाय ऊपर या फिर सम ऑफ रूट्स यू प्लस टी इंटू टी प्लस प्रोडक्ट आ यू इंटू मूलों का गुणनफल इक्वल टू टी। इसमें मान रखेंगे टी स्क्वायर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके जो भी वैल्यू है यू और टी कैसे सॉल्व तो टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू प्लस टी की वैल्यू कितनी थी माइनस नाइन थी और ये टी प्लस टी इक्वल टू इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो टी माइनस वन और टी माइनस ए इसका फैक्टर होगा और टी इक्वल टू आपको मिल जाएगी वन। इसमें से एक को यू कर देते हैं यू इक्वल टू वन एंड थ्री इक्वल टू आप यही भी यू टू की पावर वन थर्ड की वैल्यू निकाल दिए एक की पावर एक बटे तीन करके ये आएगा और थ्री टू की पावर वन यानी कि एट टू की पावर वन थर्ड एट यानी टू का क्यूब होता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी। तो देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वन आपका आ जाएगा यू टू की पावर वन थर्ड बी टू की पावर वन थर्ड और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी वन प्लस टू वैल्यू थ्री। यहाँ पे देखेंगे एक्स टू कार्डिनल पता है कि भाई एक सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा एक सॉल्यूशन यू टू की पावर वन थर्ड के साथ ओमेगा का मल्टीप्लाई थ्री और बी टू की पावर वन थर्ड के साथ ओमेगा के साथ जहाँ पर ओमेगा का जो मान होता है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू तो वह मान हम यहाँ पे रखने देखिएगा वन इंटू ओमेगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू
माइनस थ्री और यहाँ पे इनका प्लस यहाँ पे माइनस माइनस थ्री और माइनस का यहाँ पे देखा कि एक्स टू का मान जो है कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे यू इक्वल वन थर्ड ओमेगा प्लस वी इक्वल वन थर्ड ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान यहाँ पे देखिए ये वैल्यू मैंने ये क्यूब रूट साफ निकाल है मान आप कहेंगे ओमेगा का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन से ओमेगा की वैल्यू इतनी आती आप सॉल्व करके देखेंगे अगर कहीं का आप हो तो आप कमेंट्स दीजिएगा मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे ओमेगा का मान यहाँ पे ये आ रहा है। तो जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे इसकी वैल्यू और मैंने आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे अगर कोई ए प्लस आई बी आता है तो दूसरा रूट ए माइनस आई बी आएगा और कहीं ए माइनस आई बी रूट होता है दूसरा अपने यहाँ यहाँ पे माइनस आए प्लस होता है या कोई भी इक्वेशन अगर कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो कॉन्जुगेट रहता है एक प्लस रखता है तो दूसरा माइनस तो ये आपके साथ संबंध है इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन को आप चाहते तो रिमाइंडर थे जिसे सिस्टम पर में और फैक्टर फॉर्म से भी कर सकते थे लेकिन हर एक क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता है अधिक समय नॉन खर्चों के कार्डिंग ने हमें कर दिया कि कैसे हम किसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करें। एक बार ध्यान रखेंगे कार्डिंग ने तरह डायरेक्ट अप्लाई करने की आप ध्यान देंगे कि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ना हो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म होगा तो सबसे पहले उसको रिड्यूस करना होगा अगर नहीं है तो सीधे सीधे वही कार्डिंग ने तरह अप्लाई करिएगा और यहाँ पे यह प्रोसीजर अप्लाई करते हुए आप